दो पक्ष महिला थाने में महिला सहायता प्रकोष्ठ में तारीख पर आए थे। दोनों ने किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहू ने सास को लहूलुहान कर दिया। कोरम मामला सहारनपुर के महिला सहायता प्रकोष्ठ में आज दो पक्षों में सुनवाई के लिए आ पहुंचे थे। पहला वर पक्ष नूर बस्ती का रहने वाला है, दूसरा पक्ष वधु पक्ष इंदिरा चौक का रहने वाला है। वो पक्ष वर पक्ष की महिला सबन का कहना है कि उसके बेटी अब्दुल रहमान की शादी इंदिरा चौक की रहने वाली नगमा से हुई थी। दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष महिला सहायता प्रकोष्ठ पहुंची थी। दोनों परिवार की महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें बहू नगमा के ने कर उसके परिवार ने उसकी सास शबनम को मारपीट की, जिसमें सास को मामूली चोटें आई है। दोनों के बीच मारपीट को लेकर महिला थाने में हड़कंप मचा हुआ है। वरपक्ष के नगमा की सास शबनम का कहना है कि जब उससे शादी हुई तो लगातार उसके परिवार को शबनम प्रताड़ित कर रही है और अपनी सास और पति से काम करने के नाम पर पैसे मांग रही थी। और उसकी बहू नगमा ने थाने में झूठी तहरीर दी है कि हम लोग उसको फंसाया, लगातार पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रही थी। दूसरा वधु पक्ष नगमा का आरोप है कि 1.5 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, उसके पेट में उसके पति का बच्चा पल रहा था, जैसे ससुराल पक्ष के लोगों ने पति और देवर से मिलकर मारपीट की, जिससे उसका बच्चा अब नहीं रहा और लगातार सास सबन पति देवर सब मिलकर मारपीट करते हैं उसके साथ भी की। और संबंधित मामले में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि दोनों पक्ष घरेलू विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष आज महिला सहायता प्रकोष्ठ में पहुंचे थे। मेरा नाम नगमा है और मेरा ना 1.5 साल पहले शादी हुई थी। इन्होंने मेरे ससुराल वालों ने मारपीट कर करके मेरे ससुराल कर दिया। मैं 8 महीने बाद जब यहाँ से आई, इन्होंने फिर मारपीट करी, मेरे साथ मेरा बच्चा इसके पप्पा ने जो वो पुआ से मेरा बच्चे मेरे पेट में लात मारी, चौकी में इन्होंने मारपीट करी, मेरे पापा की हड्डी टूट गई, मेरा हाथ टूटा हुआ है, परसों चौथी मेरा प्लास्टर खुला है इसका। इन्होंने इतनी मारपीट करके आज चौकी में यहाँ बात होने के लिए आई थी थाना प्रकोष्ठ में, तो इन्होंने यहाँ भी मेरे साथ मारपीट करी। वो मेरे बेघर मुझे गंदे गंदे उसने मेरे साथ सब कुछ करेगा, मैं सबको सबको कहने के बाद भी किसी ने मेरी सुनी नहीं। किन लोगों ने आपसे मारपीट किया क्या? मेरा देवर है, मेरा हस्बैंड है अलीशान है, और मेरे हस्बैंड रहमान है, रफी है, मेरे ससुर है, मेरे सास ने मारपीट करी, मेरी उंगलियां तक तोड़ रखी उन्होंने। मेरा विवाद क्या है? पैसे मांगते हैं, कहते अपने घर से पैसे लेके आ, 10 लाख रुपए लेके आ, और मारपीट करेंगे, ये लेके आ, वो लेके आ, हर चीज दे रखी। मेरे बाप ने गाड़ी तक भेज दी उन्होंने मुझे, मुझे बिल्कुल कंगाल कर दिया, मुझे 1.5 साल में मुझे कहाँ हुई आपकी? इंदिरा चौक के रहने वाले हूँ, शादी नूर बस्ती हुई मेरी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तबाह कर दिया। मेरे बच्चे पप्पा ने मेरे पेट में लात मार दी, मेरे बच्चे ने गिरवा दिया उन्होंने। सर परिवार परामर्श केंद्र के बाद अभी हंगामा हुआ है, क्या मामला है? जी हाँ, परिवार परामर्श केंद्र में जैसे आज काउंसलिंग चल रही थी, दोनों जो पति और पत्नी पक्ष है, दोनों में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए आज काउंसलर वहाँ पर बैठे हुए थे, और तभी जो पत्नी पक्ष है उसके लोग वहाँ पे थोड़ा उत्तेजित हुए और उन्होंने पति पक्ष के जो दो मेंबर सदस्य हैं परिवार के उन पर उन्होंने हमला किया। हमले में माइनर सी इंजुरीज आई हैं, ब्लीडिंग हुई है उसमें, और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, और जो जिन्होंने हमला किया था उनको भी सदर बाजार थाने लेके जाया गया है। बाकी जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है पीड़ित पक्ष से तो उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या विवाद चल रहा है? जी घरेलू विवाद है, पति पत्नी में अनबन है, और इसमें पत्नी ने जो प्रार्थना पत्र काउंसलिंग में दिया हुआ है उसमें कुछ उन्होंने रेप के भी बलात्कार के आरोप लगाए हैं, उसी को लेकर बातें हो रही थी तभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मेरा नाम सबनम है, मैं नूर बस्ती की रहने वाली, बड़ी मस्जिद की। मेरी बहू ने पूरे 1 साल से मुझे वीरान कर रखा, मेरे पूरे घर को वीरान कर रखा, और 15 तारीख से लेकर 15 तारीख को मेरे घर में डकैती डाल ली थी। इसके माँ बाप भाई बहन सब आए थे। विवाद क्या है और आज क्या विवाद? कुछ नहीं है, विवाद यह है कि 50 लाख रुपया दे, मैं अपना काम करूंगी, वो करूंगी, मेरे माँ बाप को पैसे दे, मैं स्कूल खोल लूंगी, मैं ये करूंगी। मैंने कहा मैं गरीब हो रहा हूँ, मैं कहाँ से तुझे 50 अकमी नहीं देगी तेरे बच्चों पर एम केस में। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज मेरी यहाँ तारीख थी, मैडम ने यू कैस बच्चों को लेकर आई है जिस पे रेप केस लगा रही। मैंने कहा मैं उस बच्चों को किस तरह ले, तो उसके दुश्मन हो रहे। अब तू ले कहा, मेरी सारी फैसिलिटी मेरी होगी। मैंने पैर भी नहीं रखा इनके यहाँ, मैडम को सारी सच्चाई पता, मैडम का कोई कसूर नहीं है, कसूर उनका, उन्होंने एकदम तपाई कर दी, मैडम गलत नहीं है। मुझे साबरा ने मारा, नगमा ने मारा, नगमा के बाप अफसर ने मारा, सारून ने मारा, मेरी बेइज्जती करी, अफसर अली ने मेरा कपड़ा फाड़े, मेरी जिस नहीं है इसी। एक फारूक है, एक तनवीर है, मेरे से बोला नहीं, मेरे बच्चों की सुरक्षा चाहिए, मम्मी और यहाँ की मुझे सुरक्षा चाहिए।